अगर आपने हमारे चैनल टेलरिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हमारा ब्लाउज है नाप का और ये कपड़ा है डिजाइन का। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसमें से हम ब्लाउज को जैसे गला बना हुआ है और ये दो फूल हैं, तो ये हमारी बाजू वाली फूल की डिजाइन है। अब हमें सबसे पहले अस्तर को काटना है। ये हमारा नाप है, इसको हमें अच्छी तरीके से रख लें। यहाँ पे जैसे सिलाई भी लगी होती है तो इसको भी अच्छे तरीके से टावर कर लें, क्योंकि टाइट हो जाएगा ब्लाउज अगर हम ऐसे नापेंगे। तब हम यहाँ से इस तरीके से नापते हैं। ये हमारी चेस्ट है, 17 चेस्ट है। यहाँ से हम इसकी लंबाई नापेंगे। इसकी लंबाई है वो 13 इंच की है। इसका गला ज़्यादा चौड़ा है क्योंकि ये डिजाइन है, उसी के हिसाब से गले का शेप दिया है। अब इसके शोल्डर 11 इंच के शोल्डर हैं। अब ये हमारा स्कल है, डबल है। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे 17 इंच पे। ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया। अब हम गुंजाइश के लिए लेंगे 3 इंच, यानी कि 1.5 इंच हम गुंजाइश के लिए लेंगे। अब ये हमारा पूरा 20 इंच हो गया। अब हम इसको यहाँ से बराबर करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमें डबल करना है बराबर करके। अब एक बार और हम इसको डबल करेंगे। अब जैसे हमारी पीछे की लंबाई बना देंगे, पीछे की लंबाई हमारी 12.5 है, तो हम 13.5 इंच लेंगे, 1 इंच ज़्यादा। अब हमने 13.5 इंच पे यहाँ पे बराबर कर लिया है। ये हमारा पीछे का हो जाएगा। अब पीछे से हमें आगे का पल्ला 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये प्लेट डालेंगे आगे की साइड। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लें। अब हम यहाँ से इसके शोल्डर लेंगे, 6 इंच के शोल्डर, 6 इंच हम इसके आर्मर लेंगे और इसको हमें यहाँ से चौकुटा डिब्बा बनाना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे 1 इंच पे। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। वैसे अगर हम इसका गला नहीं काटे, क्योंकि ये जो डिजाइन है तो इसी के ऊपर हमें अस्तर को रख के गला बनाना है, तो हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, आरूमल की कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हम पीछे का पल्ला अलग कर देंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसको हमने अलग कर दिया। अब हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगाएंगे, 9.5 इंच पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे। 4 इंच पे हम नीचे वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। ये हमारा यहाँ से बंद है गला वाला, जो हमारे गले का शेप आएगा यहाँ पे, वो हमारा बंद है। वहाँ से हमने 4 इंच लिया है नीचे की प्लेट का, और इसकी जो लंबाई 4.5 इंच है। अब इसी के बराबर हम एक निशान इस तरीके से लगाएंगे। आगे वाले पल्लर के आगमन हम 1/2 इंच यहाँ से ज़्यादा काटेंगे, क्योंकि इसमें हम प्लेट डालेंगे और आगे की साइड कुछ
झोल आ जाती है, इसलिए हम आधा आधा इंच आगे भर को ज्यादा काटेंगे आगे वाले। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग बाद में करेंगे स्टिचिंग पे। अभी हमारा अस्तर बचा हुआ है, इसमें से हम बाजू निकालेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच है, कपड़े की चौड़ाई 16 इंच है और ये हमने डबल कर लिया कपड़े को। अब यहाँ से हम ये बाजू का इस तरीके से नाप लेंगे और यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लेते हुए यहाँ पे निशान लगा देंगे। अगर आप यहाँ से इस तरीके से नाप लेंगे तो ये बाजू है वो 5 इंच की बाजू है, यहाँ से हमने 6 इंच लिया है। अब ये हमने बाजू की लंबाई 6 इंच ली है और ये बाजू की जो चौड़ाई 8 इंच है, क्योंकि 16 इंच का आधा 8 इंच हो गया। अब हम यहाँ पे बाजू की कटिंग का शेप करेंगे। बाजू की कटिंग का हम यहाँ पे शेप का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे नीचे की साइड से, जो हमारे खुले वाले पल्लर हैं। आगे चल के 2 इंच, 2 इंच का निशान हम 1.5 इंच, यहाँ से हम 1.5 इंच करके, जैसे ए हमारा 1.5 इंच हो गया। अब हम यहाँ से 2 इंच लेंगे और आगे फिर 1.5 इंच ऐसे कम करते हुए हम एक बाजू की कटिंग का शेप का निशान लगाएंगे। ये हमारी बाजू की शेप, बाजू की जो हम कटिंग करेंगे उसका ये शेप हो गया। अब ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब ये हमारा जो डिजाइन का कपड़ा है इसमें जो बीच में सिलाई लगी हुई है इसको हम सिलाई को हटा देंगे। अब इसमें ये डिजाइन है आगे वाली और पीछे वाली, ये इसमें कम डिजाइन है उसको हम आगे की साइड का पल्लर बनाएंगे और ये दूसरी साइड डिजाइन ज्यादा है यहाँ पे फूल बने हुए हैं इसको हम पीछे की साइड का पल्लर बनाएंगे। इसको हमें बराबर रखना है ये जो फूल है। और ये गले का भी हमें यहाँ से जो हमारे गले का ये शेप गया है इसको भी हमें बराबर करके, अब ये जैसे हमारा ये पीछे का पल्लर है इसको हमें इसके ऊपर रखना है। अब जैसे ये हमारा जो पीछे का गला है इसकी लंबाई ज्यादा है, तो इसकी लंबाई कैसे ज्यादा है, ये यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है, डिजाइन हमारी यहाँ से, अब यहाँ पे अलग से जोड़ लगाया है गला की लंबाई बढ़ाने के लिए। जैसे आप गला पीछे का बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा आपको कपड़े का, तो पीछे की गले की लंबाई है 8 इंच की लंबाई है पीछे की, तो हमें भी इसके पीछे की गले की 8 इंच की लंबाई रखनी है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे ऊपर की साइड से, इसकी जो चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और गले की लंबाई 8 इंच, तो हम यहाँ पे गोलाई का शेप लगा दें इस तरीके से गोलाई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे पीछे के गले की। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे क्योंकि हमें 8 इंच ऊपर की साइड अस्तर को रखेंगे। सब के बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे। वैसे तो ये हमारा पीछे का पल्लू बराबर आ जाएगा, लेकिन ये गले की प्रॉब्लम है क्योंकि किसी को बड़ा गला पसंद है, उसके लिए हमें यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा कपड़े का।
लिए यहाँ पे हम ये कपड़े को जोड़ देंगे दोनों साइड, क्योंकि अब इसको गले को हमें पहले कपड़े को जोड़ना है, बाद में हमें गले को अस्तर में जोड़ेंगे। तो ये हमारा पीछे का पगला बन गया, कट गया है। अब ये हमारा आगे वाला पल्लर है। अब हमने आगे की साइड भी ये जोड़ लगा हुआ है गले की लंबाई के लिए, तो इसको भी हमें गले को देखना है कितना है। ये गला 7 इंच की लंबाई है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की, लंबाई 7 इंच की, और आगे का गला है ये हम इसमें भी गोलाई का शेप देके इसकी भी कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम इसको यहाँ से डबल करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आगे का गला तो बराबर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कपड़ा है ऊपर की साइड। अब ये अस्तर के बराबर हमें कपड़े की कटिंग करेंगे। अब इसको भी हम अलग कर लें। अब ये हमारा आगे का पल्ला है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अभी जैसे हमारी डिजाइन है बाजू की, एक साइड तो हमारा कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हमें इसमें बाजू में जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि जो बीच वाला हील निशान है इसका भी हमें ये ध्यान रखना है फूल नीचे की साइड आएगा। इसको हमें इस तरीके से रखेंगे। हमारी एक साइड की बाजू की कटिंग हो रही है, इसी को रख के हमें बाजू की कटिंग करनी है। अभी तो हम ये सिंपल कटिंग कर रहे हैं, अस्तर की तो कटिंग हमारी बराबर है। जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे, जब इसके बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे कपड़े की, अभी तो हम इसको सिंपल तरीके से कर लें। हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम ये दोनों पल्लों को बराबर रख के यहाँ पे नीचे सिलाई लगाएंगे। तो इसके बाद हम इसको बराबर करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये कपड़ा जो हमारा ज्यादा है इसकी कटिंग कर लें अस्तर के बराबर, यहाँ से इसके गले वाले कपड़े की भी कटिंग कर लें। अब इसके बाद जो हमारा ये निशान है प्लेट का, यहाँ पे कैंची के कट लगा लें। अब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। अभी हमने 1/2 इंच की चौड़ाई ली है, दोनों साइड हमारा 1 इंच हो जाएगा। ये 1/2 इंच हमने डबल करके चौड़ाई ली है। अभी हम नीचे की साइड की प्लेट डालेंगे, तो नीचे से हम 1 इंच लेंगे चौड़ाई में। अब इसके बाद ये हमारी बकली वाली प्लेट है, इसको भी हमें यहाँ से 1/2 इंच लेना है। अब इसके बाद यहाँ से शोल्डर जो हमारी आर ओ वन वाली प्लेट है इसको डालेंगे। अब ये हमारी चारों प्लेटें डल गई हैं। इस तरीके से प्लेट शेप से होनी चाहिए। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का पल्ला तैयार करेंगे। अभी हमने दोनों साइड प्लेटें डाल दी हैं। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे।
तो ये हमने जो पट्टी ली है इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई है 4 इंच। अब ये पट्टी को हम, ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। और यहाँ से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद ये पट्टी को अंदर की तरफ दबाएंगे और इसको इस तरीके से, जितनी हमें चौड़ी पट्टी बनानी है 1.5 इंच की या 2 इंच की, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे। इसको हम अंदर के साथ दबाएंगे और यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस पर पुताई करेंगे। उसके बाद हम ये पट्टी को यहाँ से नाप लें, इतनी हमें इसकी लंबाई रखनी है पट्टी की। और ये गले की लंबाई बराबर है। और यहाँ से इसको बराबर करके, यहाँ से हमने गले को बराबर देख लें, बराबर है। और इसको इस तरीके से पट्टी को रख के, अब ये यहाँ से 1/2 इंच ज़्यादा है तो इसकी हम गोलाई करेंगे। इसमें ये छोटे छोटे चीज़ों का हमें ध्यान रख के पट्टी लगानी है गले। अब ये हमारा अस्तल है, अस्तल की हम ये कपड़े को तिरछा करेंगे। पट्टियों को इस तरीके से जोड़ेंगे। अभी हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। अब ये कपड़े को दबा के हमें अंदर का इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अभी हमारा दोनों साइड पट्टी लग गई है गले में। इसको हम अंदर की शर्ट दबा के, पहले हम यहाँ से जो कपड़ा हमारा ज़्यादा है इसको काटेंगे। बाद में हम इस पर तुपाई करेंगे। ये कपड़ा काटने दे रही है, जब इसमें अच्छे से तुपाई दे होंगी। अब इसको हम दबा के अंदर की साइड तुपाई करेंगे। अब हम पीछे का गला तैयार करेंगे। अब इसके बराबर हम ये पीछे के गले को कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको बराबर करके पहली सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसको अस्तल को बराबर करके रखना है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमने अस्तल को रखा है। उसके बाद हम इसको सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अस्तर पे सिलाई लगाना है।
बराबर करेंगे। यहाँ से हम इसको नाप लेंगे 4 इंच पे। ये हमारा पीछे की प्लेट का निशान है, यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसको डबल करके इसके इसको प्लेट डालेंगे। ये हमारी पीछे की प्लेट की जो चौड़ाई है वो 1 इंच की कपड़े के लिए हमने, और ये लंबाई है वो 4 इंच की है। अब हम यहाँ से इसको पीछे का पल्लर नाप लें इस तरीके से, जितनी हमारे पीछे के पल्लू की लंबाई है उतना हम इसको अंदर की शर्ट दबा देंगे कपड़े को। अभी हमने पीछे की साइड तुरपाई कर ली है, अब हम इसमें आगे वाले पल्लू जोड़ेंगे। यहाँ से हम इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे और ये पट्टी को आगे की साइड रखेंगे, बाद में हम इसको अंदर की साइड तुरपाई करेंगे। अब ये ब्लाउज को हम उल्टा करके इस तरीके से निशान लगा लें जितनी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड निशान लगा के सिलाई लगा लें। अब हम यहाँ से इसके कमर का नाप लेंगे। ये हमारी कमर यहाँ से 1 इंच ज़्यादा है, तो हम इसमें दोनों साइड आधा आधा इंच कमर पे सिलाई लगाएंगे। चेस्ट का नाप हम इस तरीके से लेंगे, जैसे यहाँ से हम इसको बराबर करके यहाँ से इसको नाप लें तो ये चेस्ट हमारी बराबर है, बस हमें आधा इंच कमर पे सिलाई लगानी है। अब इसके बाद ये हमारा आगे का पल्लू आरोहण है, यहाँ से ज्यादा है, इसको हम इसके बराबर कर। अब हम इसके बाजू लगाएंगे। बाजू के लिए हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी जोड़ लिया है, और ये दोनों साइड हमारे इस तरीके से जोड़ आए हैं, तो ये हमारे पीछे की साइड हो जाएंगे जोड़। अब हम इस पे अटकल की बाजू रखेंगे। अभी हमारा जो फूल है इसके बीच में हमें ये निशान लगा हुआ है, अस्तल को रखना है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम अस्तल को अंदर के साथ लगा के अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको फूल को बराबर करके इस तरीके से देख लें। अब इसके बाद यहाँ से हमें बाजू को नाप लें, जैसे हमारी बाजू अगर बड़ी है तो हम इसको यहाँ से, अब हम यहाँ पे बीच में कैंची का कट लगा लें। अब ये कट को हम शोल्डर में जोड़ेंगे, और ये जोड़ है जो हमारा वो पीछे की साइड आएगा आगे मिल जाए।
अभी हमारी बाजू जुड़ गई है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे बाजू की। इसको हमें बराबर करते हैं। यहाँ से हमारी बाजू की मोरी है, इसको हम इस तरीके से बराबर करके यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये जो फिटिंग का निशान, इसमें मिला देंगे हम आधा इंच। हम यहाँ से कमर पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू जोड़ेंगे। अब ये हमने दोनों साइड फिटिंग कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे पीछे की साइड ये जोड़ आया है। इस तरीके से जोड़ हमें ये फूल की वजह से लगाना पड़ा है कि यहाँ पे हमारा बीच में एक फूल आना चाहिए शोल्डर के बराबर। अब आगे की साइड का तो पल्लर बराबर था, पीछे का कपड़ा कम था, इसलिए हमने जोड़ लगाया है। अभी हमने ये पट्टी यहाँ पे सीधी रखी है, इसको हम अंदर की साइड दबा के इस पे तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के बाद हम यहाँ पे काज बनाएंगे, उधर की साइड हुक लगाएंगे। ये बन गया हमारा डिजाइनर ब्लाउज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।